ग्वालियर के होटल हॉरिजॉन प्लाजा में गत दिन दहाड़े घुसकर बदमाशों ने स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। एक होटल पर पथराव और फायरिंग किया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से एक आरोपी की पहचान शहर के एक सराफा कारोबारी से हुई है। लूट के आरोपी के रूप में हुई है। बताया गया कि बदमाश होटल की दूसरी मंजिल पर बने पब में फ्रेंडशिप डे की पार्टी में शॉर्ट और चप्पल पहनकर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे और ड्रेस कोड ना होने पर इन स्टाफ ने रोक दिया, जिसके बाद आरोपी मारपीट करने लगे और फिर पिस्टल निकालकर पहली मंजिल पर गोली चलाई। इसमें दो अभी तक दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसमें थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कल जो घटना हुई थी उसमें क्राइम ब्रांच और थाना यूनिवर्सिटी की टीम ने मिलकर दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपी जो दो लोग फरार हैं उनकी भी लगातार गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। क्राइम ब्रांच की टीम थाना यूनिवर्सिटी की टीम लगातार काम कर रही है।